Hello everyone. We are having now next practical, that is to find the resistance of galvanometer by half deflection method and also to find the figure of merit. ये वो वाला प्रैक्टिकल है जिसमें कि आप सीबीएसई का बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल में है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी स्कूल में यह बताया जाता है लेकिन बच्चे करने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। आप देखिए इसमें क्या क्या चीज चाहिए। इसमें हम लोग जो है ये ऑब्जेक्ट यही है हमारा टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड द फिगर ऑफ मेरिट। अच्छा, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसमें क्या करना, दैट इज एवरेज विद ए गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बॉक्स विद लॉन्ग रेंज एंड सेकंड वन सेकंड रेजिस्टेंस बॉक्स विद शॉर्ट रेंज, ये कम रेंज वाला होता है। प्लस प्लीज ये डेवोस्केट लिखा गया, डेवोस्केट नहीं यूज होता है। और उसके बाद बैटरी जनरेटर एंड कनेक्टिंग वायर ये रहता है। इसका जो डिफ्लेक्शन जो करंट का जो थ्योरी होता है बहुत सिंपल है कि करंट गिवन टू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन मेड बाय द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर। और इसके आगे का फॉर्मूला अब ये देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन गैल्वेनोमीटर गिवन बाय आर इंटू एस अपॉन आर माइनस एस। आर रेजिस्टेंस बॉक्स है, बड़े वाले रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है और जो फुल डिफ्लेक्शन देगा। एस छोटे वाले रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है जो कि इस रेजिस्टेंस को हाफ कर देगा, इस डिफ्लेक्शन को हाफ कर देगा। तो ये आर इंटू एस अपॉन आर माइनस एस, ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। और एक फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला है के इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस जी इंटू थीटा। ये अलग अलग रेजिस्टेंस आप निकालते जाएंगे एक ही वोल्ट पे, तो आप देखिएगा कि आपका डिफ्लेक्शन अलग अलग होगा। तो इससे आप लोग निकालने का फिगर ऑफ मेरिट का। अब आइए सर्किट इसका क्या है, बिल्कुल सिंपल सर्किट है। देखिए ये गैल्वेनोमीटर है और ये बड़ा वाला आर मतलब बड़ा वाला लॉन्ग रेंज वाला रेजिस्टेंस बॉक्स है, एस मतलब शंट रेजिस्टेंस बॉक्स छोटा वाला रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक टी वन है, के टू है, ये के टू है आपका दूसरा टी है। अब गैल्वेनोमीटर के एक एंड से दो तार जोड़ देंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स के इस वाले रेजिस्टेंस बॉक्स से, एक इस वाले रेजिस्टेंस बॉक्स से। सिमिलरली गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से भी दो तार जाएगा, एक जाएगा इस वाले की से, एक इस वाले की से जाएगा। तो आपने देख लिया रेजिस्टेंस बॉक्स ये सिंपल है, गैल्वेनोमीटर के दो दो एंड से, एक एंड से दो रेजिस्टेंस बॉक्स और एक एंड से दो की जाएगा। पहले वाले की का जो बचा वाला एंड है उसको इससे जोड़ देंगे आपके बैटरी इल्यूमिनेटर से, बैटरी एलिमेटर के दूसरा वाला एंड जो रेजिस्टेंस बॉक्स का बड़ा वाला रेजिस्टेंस बॉक्स का जो बचा है उससे जोड़ देंगे। तो ये तो एक सर्किट हो गया। ये दूसरे सर्किट के पार्ट में क्या है, एक रेजिस्टेंस एक शंट वाला रेजिस्टेंस इससे जुड़ा हुआ, दूसरा वाला की के बचे वाले से जुड़ जाएगा। और इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मैं हकीकत का सर्किट क्या था, ये एलिमिनेटर देखिए, बैटरी एलिमिनेटर लिखा हुआ है और ये है आपका गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पर ये लॉन्ग रेंज वाला रेजिस्टेंस बॉक्स आप देख सकते हैं, इसमें 10,000 5,000 2,000 ये सब रेजिस्टेंस बॉक्स ये सब नंबर दे रखा है। इसमें ज़्यादा रेंज वाला ये शॉर्ट रेंज वाला है जिसमें मैक्सिमम जो है आप 500 ओम तक देख सकते हैं, एक से लेकर 500 ओम तक ही आप इसमें रीडिंग ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है दो प्लग की है, एक की वन एक की और दूसरा की है। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि सर्किट यहाँ पर जोड़ रखा था मैंने, अब आपको बता देता हूँ। गैल्वेनोमीटर के देखिए एक एंड है ये है, इसमें दो रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ेगा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स ये वाला बड़ा वाला, दूसरा वाला ये छोटा वाला रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा हुआ है, जैसे जो मैं आपको सर्किट डायग्राम में दिखा रहा था। दूसरा वाला गैल्वेनोमीटर ये एंड है, इसमें दो की जुड़ेगा, एक ये वाला की जुड़ा है, एक ये वाला की जुड़ा है, इस वाले की से आपने ये जोड़ दिया, दो जोड़ दिया। अच्छा, अब इस वाले की को जो K1 है, K1 का एक एंड जाएगा बैटरी से, K1 एक एंड गया देखिए बैटरी से, और बैटरी का दूसरे एंड जाएगा रेजिस्टेंस बड़े वाले रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे एंड। तो ये दो फर्स्ट हाफ का सर्किट है, ऊपर वाले सर्किट। शंट वाले सर्किट में जो है जो इसमें इस K का जो एक एंड तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स का एक एंड तो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, एक एंड खाली था, एक की का एक एंड खाली था, तो उस खाली वाला आपस में जोड़ देंगे, यानी कि इसका सेकंड एंड ऑफ दिस की एंड सेकेंड एंड ऑफ दिस स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स दे आर कनेक्टेड टुगेदर, ये हो गया। अच्छा, ये की K2 है तो K2 और ये K1 जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, इसे K1 देंगे, ये K2, तो पहले इनको K2 को खोल देंगे, इसको ओपन रखेंगे ताकि ये सर्किट में या ये सर्किट में छोटा वाला रेजिस्टेंस बॉक्स ना आए। तो मैं इसको पहले ऑन करके दिखाता हूँ आपको,
ऑन करके देखिए, जब फुल डिफ्लेक्शन के बाद देखिए झरझराता आवाज, यानी कि यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा करंट यहाँ पे इसको लोड मिल रहा है। तो अब मैं यहाँ से कोई एक रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकालूंगा। देखिए जैसे मैं 2000 निकाला तो ये कुछ एक डिफ्लेक्शन आया, तो इसमें मुझे काम नहीं हुआ। अब मैं 1000 निकाल रहा हूँ, 1000 निकालने से देखिए ये जो है बीच को क्रॉस कर गया, लेकिन डिफ्लेक्शन में अभी ये हिल रहा है, इसलिए हिल रहा है क्योंकि इसका मतलब तार आर कहीं पर कुछ जो है कनेक्शन में कुछ कमी है। ये जो तार जो हिलता रहता है इसीलिए रीडिंग गलत आ जाता है, तो इसको भी मैंने हटा दिया। अब 500 निकाल कर दिखाता हूँ, ये भी ज़्यादा आ रहा है। अब 200 निकाल के देखा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए ये सारे इनको उनको टाइट रखना है, और किसी भी रीडिंग को हम फुल वेव फुल स्केल डिफ्लेक्शन मान सकते हैं, लेकिन मुझे अगर 30 ही करना है तो मुझे ये सबको उनको टाइट करके, और हमको किसी तरह से जैसे मान लीजिए हमने 900 का किया, अब देखिए जैसे मैंने 900 निकाला, बाकी सबको बिल्कुल टाइट कर दिया, देखिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ गया, पूरा 30 के 30 आ गया ये डिफ्लेक्शन। तो इसके मतलब क्या है कि ये फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट रीडिंग है वो मैंने 900 ओम यूज़ किया। 900 ओम यूज़ करने से आप देखिए यहाँ पर इसमें एक भी नहीं निकाला, शंट में से कुछ नहीं निकाला, ये सारे के सारे प्लग लगे हुए, और यहाँ पर भी देखिए की ऑफ है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये देखिए की ऑफ है, तो नेचुरली ये वाला सर्किट शंट वाला रेजिस्टेंस सर्किट में ही नहीं है। तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन का आर जो रीडिंग में आप लिखेंगे, वो आर लिखेंगे वो है आपका 30, ठीक है, और उसमें सॉरी आर आर के वैल्यू आप लिखेंगे 900। मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ, इसका वैल्यू दिखा देता हूँ, ये देखिएगा इसमें फर्स्ट टेबल जो है, अब पहला वाला जो टेबल दिख रहा है इसमें सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस आर, जैसे अभी हमने यहाँ पर 900 निकाला तो डिफ्लेक्शन हमारा कितना आया, 30 डिवीजन आया वो आया, और शंट कितना निकालेंगे वो हम देखेंगे, जिसमें कि डिफ्लेक्शन हाफ हो जाए। और शंट निकालने के लिए अब मैं इसको इस वाला क्लॉक को पहले से लगा देंगे, देखिए रीडिंग जीरो हो गया। अब इसमें से कितना निकालेंगे हम जो है, एक मिनट, 20 निकाला, इससे नहीं आ रहा था, अब हम इसको 15 निकाल के देखते हैं, बाकी सबको टाइट कर देते हैं, तो लगभग जो है इसमें इससे ज़्यादा आ जा रहा है, तो 14 हम लोग निकाल के देखते हैं, देखिए एक्सैक्ट देखिए आप उसके हाफ डिफ्लेक्शन में कितना रेजिस्टेंस छोटे वाला बॉक्स से निकालने के बाद। हाँ देखिए मैंने 14 ओम यहाँ पर मैंने यूज़ किया, 10 2 और 2 मिलकर 14 ओम हो गया, और ये 14 ओम मिलकर जो है आपका ये इसको हम लिखेंगे एस शंट रेजिस्टेंस एस, तो एस रेजिस्टेंस में थीटा बाई 2 कितना आ गया, 15 पुल था ये 15 है, तो इससे हम लोग जी निकाल लेंगे इस फार्मूला से, और ऐसे ही हम लोग रिपीट करेंगे अलग अलग रेजिस्टेंस बॉक्स से, इस वाले से बड़े वाले से निकाल कर उस अलग अलग रीडिंग लेंगे, तो इनका एवरेज 3 रीडिंग लेके जी निकाल लेंगे। अच्छा अब ये फिगर ऑफ मेरिट के लिए क्या करते हैं, इसमें तो इसको फुल्ली जो ऑफ ही रखते हैं, इस वाले को तो फुल्ली ऑफ रखते हैं, इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, इसमें मैं इसी में अलग अलग रजिस्टर निकालेंगे, और वोल्टेज आप देख सकते हैं बैटरी इन्वर्टर वोल्टेज है 2, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसमें जो डिफ्लेक्शन है 30 है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है आपका 700, तो सॉरी 900, 500 प्लस 200 प्लस 200 900। तो अब मैं इसमें थोड़ा रीडिंग चेंज कर दूंगा, अब देखिए मैंने रीडिंग चेंज किया, 1500 है, तो 1500 में देखिए 20 आया, तो ऐसे ही हम जो है और देखिए ये कर दिया, देखिए इसके आगे जो है हम लोग ने बता दिया कि जो फिगर ऑफ मेरिट के लिए हम लोग अलग अलग इसमें इसको तो पहले बंद कर देते इस वाले को
सर्किट को ये प्लग निकाल देते हैं, छोटे वाले रेजिस्टेंस बॉक्स को, इसका कोई मतलब ही नहीं है, छोटे वाले रेजिस्टेंस बॉक्स को बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसका देखिए प्लग मैंने ये निकाल दिया, अब इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस बॉक्स से बड़े वाले से निकालते जाएंगे, और देखिए यहाँ डिफ्लेक्शन आएगा उसको नोट कर देंगे, और जैसे जैसे डिफ्लेक्शन आएगा उस नंबर और डिविजन्स को नोट करेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई थिंक आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।